भैयू महाराज आत्महत्या कांड में एक चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि युवती पलक द्वारा अपने मोबाइल से भैयू महाराज को अश्लील मैसेज भेजे जाते थे और इन अश्लील मैसेज में कई बार धमकियां भी शामिल होती थी। भैयू महाराज जब इन मैसेज को पढ़ते तो बेहद परेशान हो जाते और फिर वे ड्रग्स भी लेने लगे थे। यह भी कहा जा रहा है कि युवती भैयू महाराज को इतना अधिक ब्लैकमेल करने लगी थी कि उसने भैयू महाराज से यहाँ तक कह दिया कि अब भैयू महाराज को उससे भी शादी करना पड़ेगी और इसके लिए उसने 16 तारीख तय की। 16 तारीख के आसपास उसने भैयू महाराज को मैसेज भी भेजे और उसने यह भी कहा कि अगर भैयू महाराज ने ऐसा नहीं किया तो वे उन्हें दाती महाराज बना देगी। कुल मिलाकर युवती द्वारा यह भी लिखा गया था कि हमारा प्लान सक्सेस होगा कि नहीं, यह संदेश उसने विनायक और शरद को दिया था। कुल मिलाकर डॉक्टर आयुषी का यह कहना है कि युवती भैयू महाराज को अपने कब्जे में कर ट्रस्ट पर कब्जा करना चाहती थी। कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में जो बात सामने आई है वो यह भी है कि युवती और भैयू महाराज के बीच चैट्स भी होती थी और उसमें अश्लील मैसेज भेजे जाते थे। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।